क्वेश्चन नंबर चार। एक चतुर्भुज खींचिए, इसके सभी शीर्ष बिंदुओं के नाम लिखिए, सभी कोणों के नाम लिखिए, सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों के नाम लिखिए, आसन्न शीर्षों के तीन युग्मों के नाम लिखिए। तो हम इस तरह से चतुर्भुज को खींच लेंगे, इसका हम नाम दे देंगे, देखिए ए बी सी डी, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि पहला में क्या कह रहा है, देखिए पहला का आंसर हो जाएगा सभी शीर्ष बिंदुओं के नाम लिखिए। तो देखिए शीर्ष बिंदु मतलब जो, देखिए जहां पे दो भुजा मिल रहा है वहां उसको शीर्ष बिंदु कहते हैं। तो देखिए कौन कौन हो गया, ए बी सी डी यानी कोना, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है। पहला का आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, शीर्ष बिंदुओं के नाम लिखना है। अब देखिए दूसरा, सभी कोणों के नाम लिखिए। तो देखिए कौन कौन कोण है यहाँ पे, देखिए एक कोण ये है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण का इस तरह से चिन्ह देंगे, और कोण ए कॉमा कोण बी कोण सी और कोण डी। देखिए चार कोण है ए बी सी डी, तो सबको हम लिख देंगे कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी। तीसरा में कह रहा है सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों के नाम लिखिए। तो देखिए सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों के नाम लिखने के लिए कह रहा है, तो सम्मुख भुजा यानी सामने वाला। तो देखिए कौन कौन है, ए बी डी सी, देखिए ए बी जो भुजा है उसके सामने कौन है, डीसी। तो सम्मुख भुजा मतलब सामने जो दो भुजा उसको लिखने के लिए कह रहा है, तो ए बी डी सी हो गया। और कौन हो गया, तो ए डी बी सी, देखिए ए डी इसके सामने ये भुजा है और इसके सामने ये भुजा है। देखिए तो हम लिख देंगे ए बी कॉमा डी सी और दो युग्मों कह रहा था, सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों। तो देखिए दो युग्म यहाँ पे बना रहा है, तो एक और कौन है, ए डी कॉमा बी सी। एक युग्म है ए बी डी सी और एक है ए डी बी सी, ठीक है। अब देखिए फोर में आसन्न शीर्षों के तीन युग्मों के नाम लिखिए। आसन्न मतलब देखिए बगल वाला, जैसे कौन यहां पे आसन्न शीर्ष ए है, तो वो देखिए सात, एक शीर्ष से है तो इसके देखिए बगल वाला बी है, ठीक है। तो ए बी बी सी और सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है ए वन बी और कौन है, बी ए वन सी सी ए वन डी। देखिए फिर से कह रहा सम्मुख भुजाओं के दो, नहीं फोर में आसन्न, ये आसन्न शीर्षों के तीन युग्मों के नाम लिखे। देखिए आसन्न शीर्ष, तो शीर्ष किसको कहते हैं, ए बी सी डी को। तो आसन्न मतलब देखिए जो तो आसन्न मतलब हुआ देखिए साथ वाला, ठीक है। तो यहां पे ए एवं बी हो जाएगा, बी एवं सी सी एवं डी। तो तीन ही कह रहा है, तीन युग्मों के नाम लिखिए, तो तीन ही लिखेंगे हम। एक डी एवं ए भी होता, लेकिन तीन ही कह रहा है तो हम तीन ही लिखेंगे, ए एवं बी बी एवं सी सी एवं डी। डी एवं ए भी होता लेकिन तीन कह रहा है, इसीलिए हम तीन लिखेंगे यहां पे। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर चार हम हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर पांच। किसी त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं। दूसरा, किसी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर पांच का आंसर देखिए, पांच का पहला का आंसर हो जाएगा किसी त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब होते हैं। तो तीन होता है, ठीक है, और किसी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं। तो इसमें भी हम तीन ही आंसर देंगे, क्योंकि देखिए तीन भुजा होता है त्रिभुज में, तो शीर्ष लंब भी तीन ही होगा, क्योंकि तीन शीर्ष होता है त्रिभुज में, ठीक है, तीन कोना होता है त्रिभुज में, इसीलिए तीन शीर्ष होगा तो तीन शीर्ष लंब भी होगा, ठीक है। और कितनी माध्यिकाएं, तो तीन भुजाएं तो तीन माध्यिकाएं होगी,
क्योंकि जितनी भुजा रहेगा उतना ही माध्यिकाएं भी होती हैं। तो देखिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, तीन। तो देखिए त्रिभुज के शीर्षलंब और माध्यिका, तो किसी त्रिभुज के तीन शीर्षलंब हैं, यहाँ ए डी बी और सी एफ तीन शीर्षलंब है। देखिए ए डी बी और सी एफ तीन शीर्षलंब है। देखिए शीर्ष से दूसरे भुजा पर लंब डाला गया है, जैसे यहां से बी से देखिए ए सी पे लंब डाला गया है, यहां से डी से ए से देखिए बी सी भुजा पे लंब डाला गया है। तो तीन शीर्षलंब है होता है त्रिभुज में, ठीक है। माध्यिकाएं देखिए किसी त्रिभुज के तीन माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं मतलब जो भुजा है उसका आधा से। देखिए जैसे यहां पे बी सी का आधा मध्य में डी हुआ, उसी तरह यहां पे ए सी का आधा मध्य में ई हुआ, ए सी भुजा ए बी के मध्य में एफ हुआ, तो तीनों को मिला देंगे तो देखिए माध्यिकाएं तीन माध्यिकाएं हुआ। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हल कर लेंगे।